Let's go live to New Delhi to the Ministry of External Affairs, where the Foreign Minister Sushma Swaraj is holding a press conference. This is on 4 years of the Modi government's foreign policy. लेकिन इस वर्ष हमने पिछले सभी चार सालों का हिसाब एक साथ आपको दिया है. ये जो अभी पुस्तिका, एक कॉफी टेबल बुक, जिसका विमोचन हम चारों ने किया है, उसमें भी हमने पूरे चार वर्ष का हिसाब दिया है. अभी हमारे प्रवक्ता ने आपको बताया तो उसका शीर्षक हमने रखा है, अभूतपूर्व संपर्क, असाधारण सफलताएं, अनप्रेसिडेंटेड आउटरीच, अनपैरेलल्ड आउटकम्स. मेरा ये फर्ज बनता है कि अगर मैंने ये हम लोगों ने शीर्षक दिया है तो उसकी पुष्टि करने वाले तथ्य आपके सामने रखूं. अगर मैं सभी तथ्य रखूंगी तो मेरा प्रारंभिक वक्तव्य बहुत लंबा हो जाएगा और प्रश्नोत्तर के लिए समय कम रह जाएगा. इसलिए मैं चाहूंगी कि जब ये पुस्तक आपको 2-3 दिन में मिल जाए, अभी अंदर प्रिंट है, आज हमने केवल लोकार्पण के लिए 4 कॉपियां मंगवाई थी, तो उसमें पूरे तथ्य आपको आंकड़ों के साथ मिलेंगे. लेकिन मैं संक्षेप में ये पुष्टि करना चाहती हूं कि ये नाम हमने जो रखा है वो क्यों रखा है. पहला नाम है अभूतपूर्व संपर्क, अनप्रेसिडेंटेड आउटरीच. जो संपर्क शब्द है उसके 3 खंड हैं, संपर्क दुनिया के अन्य देशों से, संपर्क विदेशों में बसे प्रवासी भारतीयों से, और संपर्क भारत में रह रहे देशवासियों से. जहां तक अन्य देशों से संपर्क का प्रश्न है, हमारे इसमें 2 खंड हैं. एक है प्रथम बार, और आप पाएंगे कि दुनिया के कैसे ही इतने देश हैं जहां प्रधानमंत्री स्तर पर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति स्तर पर ऐसे देश निकले हैं जहां कभी भी उस स्तर की यात्रा नहीं हुई. उन तमाम देशों का विवरण आपको उसमें मिलेगा जहां प्रधानमंत्री पहली बार गए, उपराष्ट्रपति इस कार्यकाल में पहली बार उस देश में गए और राष्ट्रपति पहली बार गए. उसी का दूसरा खंड है अरसों बाद, जिसमें आप पाएंगे कि 10 वर्ष से लेकर 60 बरस के अंतर पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति गए. 10 से 60 वर्ष का अंतराल आपको मिलेगा उसमें. लेकिन उसके बाद एक योजना का मैं जिक्र करना चाहूंगी जिससे आपको लगेगा कि वाकई ये शब्द बहुत ही अप्रोप्रिएट, बहुत ही उचित है जो हमने चुना, और वो योजना है बृहद संपर्क योजना. इसके पीछे की पृष्ठभूमि है, जब ये जिम्मेदारी मैंने संभाली तो उसके कुछ महीने बाद ही हमारे यहाँ जो HOM कॉन्फ्रेंस होती है, राजदूतों का वार्षिक सम्मेलन, वो हुआ. और उसमें ये जानकारी मुझे मिली, कई राजदूतों ने ये कहा कि मैं तो ऐसे देश में हूं जहां आज तक भारत से कभी मंत्री स्तर का भी आदमी गया ही नहीं. तो मुझे हैरानी हुई कि आज तक कोई गया नहीं, मीन्स हमारे कार्यकाल में. बोले नहीं, आपके कार्यकाल का तो 6 महीने भी नहीं, आज तक कभी कोई गया नहीं. तो उसी समय हमने ये संकल्प लिया कि इस कमी को हम दूर करेंगे और अपने इस सरकार के कार्यकाल में संयुक्त राष्ट्र के जो 193 सदस्य हैं, जिसमें एक तो भारत है, लेकिन बाकी के 192 देशों को मंत्री स्तर की यात्रा से कवर करेंगे. और आज मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि इन 152 देशों में से, अभी केवल 4 साल बीते हैं, हमारे 1 वर्ष बाकी है, लेकिन इन 4 वर्षों में 192 में से 186 out of 192 countries have been covered. 192 में से 186 देशों की मंत्री स्तर की यात्रा हो चुकी है, और जो 6 देश बाकी हैं उनके भी मंत्रियों का नाम तय हो गया है. वो जिस देश में जाएंगे उस देश का नाम तय हो गया है, और एक की तो तिथि भी तय हो गई है, आइसलैंड की. तो बहुत जल्दी हम अपने इस संकल्प को पूरा कर लेंगे. अब 192 में से अगर 186 भी पूरे हो गए हैं तो इस संपर्क को मुझे लगता है अभूतपूर्व कहना उचित होगा, अनप्रेसिडेंटेड कहना उचित होगा. दूसरा खंड मैंने कहा था प्रवासी भारतीयों से. आप जानते हैं कि आज से पहले, इस सरकार के आने से पहले, कभी किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के साथ इस पैमाने पर संबोधन करके कभी जुड़ाव नहीं किया.
लेकिन पहले प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अमेरिका के मेडिसन स्क्वेयर से लेकर और जनकपुर के मैदान तक लाखों लाख भारतीयों को संबोधित करके सीधे उनके साथ जुड़ाव करने का काम किया। इसी तरह इस सरकार की विदेश मंत्री पहली विदेश मंत्री है जिन्होंने ट्विटर के माध्यम से दुखियारों का दुख दर्द सुना ही नहीं बल्कि सीधे उनका तुरंत निवारण भी किया। इस सरकार के पहले मंत्री हैं जनरल वीके सिंह, जो आर्मी जनरल से रिटायर होने, आर्मी चीफ होते हुए रिटायर होने के बाद जिन्होंने तपती दोपहरी में स्वयं फील्ड में खड़े होकर भारतीयों की निकासी का नेतृत्व किया, हमारे रेस्क्यू ऑपरेशंस का नेतृत्व किया। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व संपर्क है। और अगर मैं आंकड़ा आपको दूं कि हम लगभग 90,000 से ज्यादा लोगों को विदेशों से सुरक्षित निकाल कर लाए हैं, और आपको यह भी आंकड़ा देना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी यात्राओं के दौरान दूसरे देश के शासकों से जो घनिष्ठता बनाई है, जो मित्रता बनाई है, उसके बल पर हम सैकड़ों लोगों को जेलों से छुड़ा कर लाए हैं, कुछ को फांसी के फंदे तक से बचा कर लाए हैं, कुछ की सजा कम करवा कर लाए हैं, और कुछ को बड़े बड़े जुर्माने माफ करवा कर लेकर आए हैं। आज विदेश में बसे हुए भारतीय का गौरव भी बढ़ा है और हौसला भी बढ़ा है। आज इंडियन पासपोर्ट उनके लिए सुरक्षा कवच बन गया है। आज बाहर बैठा भारतीय या यहां से विदेश जाने वाला भारतीय ये कहता है कि मैं विश्व के किसी भी कोने में अगर फंस जाऊंगा तो मेरी सरकार मुझे निकाल लाएगी। ये भरोसा इस अभूतपूर्व संपर्क के कारण बना है। तीसरा खंड है हमारा हमारे देशवासियों से संपर्क। अभी तक विदेश मंत्रालय का संपर्क अपने देशवासियों से केवल पासपोर्ट सेवा के माध्यम से आता है, एक अकेली सेवा है जो विदेश मंत्रालय देश में देता है। जहां तक पासपोर्ट का संबंध है, मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूंगी कि जब हमने सरकार संभाली पूरे देश में केवल 77 पासपोर्ट केंद्र थे, 77। मैं जिस मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही हूं, इतना बड़ा प्रदेश है, एक कार्यालय था भोपाल में। अगर सीधी मंडला के आदिवासी क्षेत्रों को भी आना पड़े तो भोपाल आओ, इंदौर जैसे व्यावसायिक केंद्र से भी आना पड़े तो भोपाल आओ। हिमाचल इतना दुर्गम क्षेत्र है, हिली स्टेट, एक पासपोर्ट केंद्र था शिमला में। चंबा से भी आओ तो शिमला से आकर लेके जाओ। और आप और हैरान होंगे, पूरे पूर्वोत्तर प्रदेश के सभी राज्यों में, 8 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट में, एक पासपोर्ट सेवा केंद्र था गुवाहाटी में। अरुणाचल वाले को चाहिए तो, मणिपुर वाले को चाहिए तो, नागालैंड वाले को चाहिए तो गुवाहाटी आकर के पासपोर्ट लेकर लाना पड़ता था। हमने निर्णय किया सबसे पहले तो कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को अलग अलग पासपोर्ट सेवा केंद्र देंगे, और 2015 तक उसको पूरा कर दिया। उसके बाद हमने कहा कि ये तो नहीं चलेगा कि 77 पासपोर्ट केंद्र में इतना विराट भारत, तो हमने डाक विभाग के साथ मिलकर एक योजना बनाई पीओपीएस के खोलने की। और आज मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि 2014 से पहले केवल 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र थे, इन 4 वर्षों में हमने 227 नए पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले हैं। 227 हैव बीन एडेड टू 277, और जिसमें से 211 पीओपीएस के अंदर खोले गए हैं। 227 यानी लगभग 3 गुना, 231 पूरा 3 गुना होता, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, 3 गुना हम लोगों ने खोलने का काम किया है। पर केवल देशवासियों के साथ संपर्क का पासपोर्ट सेवा ही अकेले संपर्क का माध्यम नहीं रखा, नई योजनाएं बनाई हैं, नए इनिशिएटिव्स लिए हैं। आज तक विदेश मंत्रालय को एक संभ्रांत मंत्रालय माना जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलिट या इलिटिस्ट मिनिस्ट्री। ये विदेश नीति गांव तक चली जाए, इसके लिए कार्यक्रम बनाया है जिस योजना का नाम है समीप, जिसमें हम विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को कहते हैं कि जिस गांव में पले बड़े हो, जिस स्कूल में पढ़े हो, वहां जाकर उनके विद्यार्थियों से बात करो और उन्हें विदेश नीति पर चर्चा करो, उनके प्रश्नोत्तर लो। आप शायद सोचते हैं, दूर बैठे लोग सूट-बूट देखकर सोचते हैं कि स्कूल की बात की है तो किसी कॉन्वेंट के स्कूल में पढ़े होंगे, वहीं चले जाएंगे। नहीं, 6 कार्यक्रम समाप्त हो चुके हैं, इसके 6 संपन्न हो चुके हैं अभी तक,
और एक कार्यक्रम दिल्ली में हुआ है, वो भी डीएवी पब्लिक स्कूल में, कॉन्वेंट में नहीं, बाकी जलंधर में हुआ, त्रिची में हुआ, सोनीपत में हुआ, अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में हुआ, इम्फाल में हुआ, यहां तक के एरियाज हमने कवर किए हैं और ये लगातार जारी है। अभी हमारी एचयूएम कॉन्फ्रेंस होने वाली, हम सबको कह रहे हैं कि अपनी यात्रा के दौरान अपने स्कूल में एक बार जरूर जाओ और वहां जाकर विद्यार्थियों से संपर्क करो, तो विदेश नीति गांव तक जाए, आम आदमी तक पहुंचे, ये हमारा प्रयास है। इसी तरह से विदेश नीति केवल अंग्रेजी तक बनकर रह गई थी, सीमित रह गई थी। हमने कहा भारतीय भाषाएं इससे अछूती क्यों है, भारत में इतनी विविध भाषाएं बोली जाती हैं, वो सारी भाषाएं समृद्ध हैं, उनके साहित्य समृद्ध हैं, विदेश नीति उन्हें स्पर्श क्यों नहीं कर रही। हमने एक और योजना बनाई, विदेश आया प्रदेश के द्वार, उन्हें नहीं बुलाया, हम उनके द्वार पर पहुंचे और हमने एक कार्यक्रम शुरू किया कि यहां से जेएसएक्सपी जाएंगे, जिस प्रदेश में जा रहे हैं उस प्रदेश की भाषा को बोलने वाले पारंगत अफसर को लेकर जाएंगे, उसी भाषा में प्रश्नोत्तर होगा, उसी भाषा में चर्चा होगी और उसी भाषा में उनको जवाब दिया जाएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत भी हम हैदराबाद से कर चुके हैं और बाकी अन्य तमाम राज्यों में, भारत के सारे राज्य हम इसमें पूरे करेंगे। भारतीय भाषाओं का संवर्धन, जो कभी विदेश मंत्रालय का मैंडेट नहीं था, उनका अधिदेश नहीं था, हमने उसको अपना जनादेश, हमने उसको अपना मैंडेट बनाया है। अभी ये जो बॉक्स आपने देखा, इस बॉक्स में जो हम बाहर भेज रहे हैं 51 पुस्तकें होंगी, 51 बुक्स। हमने इसमें निर्णय किया कि भारत के संविधान में जितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं, 22 लैंग्वेजेस, 22 भाषाएं उसमें सूचीबद्ध हैं, हर भाषा की एक किताब, और वो भी उनकी साहित्य अकादमी से लेकर, जिसको वो दें ऐसी प्रतिष्ठित पुस्तक इसमें जरूर डालो। तो आउट ऑफ 51, 22 बुक्स विल बी इन रीजनल लैंग्वेजेस, वो 22 किताबें उसकी होंगी। तो भारतीय भाषाओं का संवर्धन यानी प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, जो कभी हमारा मैंडेट नहीं था, उसको भी हमने अपनाया। तो ये हमारा संपर्क कितना बढ़ा है, इसे मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं इसे अभूतपूर्व संपर्क कहूँ तो आप ये नहीं कहेंगे कि कोई अनुचित शब्द हमने इसके लिए चुना। इसका दूसरा खंड है असाधारण उपलब्धियां। जहां तक असाधारण उपलब्धियों की बात है, अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी में समाप्त हो जाएगी, लेकिन मैं कुछ मोटी मोटी बातें आपको बताऊंगी। सबसे पहले आर्थिक मोर्चे पर डिप्लोमेसी फॉर डेवलपमेंट, ये शब्द कभी कूटनीति में नहीं था। हमने केवल इस शब्द को नहीं अपनाया, बल्कि हमने प्रधानमंत्री जी द्वारा चले जा रहे सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स, क्लीन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्मार्ट सिटीज, सबकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। और उन देशों में जहां इन देशों की तकनीक भी है और जहां से पूंजी आ सकती है, पूंजी और तकनीक दोनों को साथ मिलाकर इस देश में हम लेकर आए। और आज मुझे खुशी है आपको ये बताते हुए कि मई 2014 से फरवरी 2018 तक 209.83 बिलियन यूएस डॉलर्स, जिसको हिंदी में अगर मैं कहूं तो 14 लाख करोड़ से ज्यादा की पूंजी फरवरी 2018 तक देश में आ चुकी है, 14 लाख करोड़ से ज्यादा। वास्तव में तो ये फिगर 14,05,861 करोड़ का है, लेकिन मैंने इकट्ठा करते हुए कहा कि 14 लाख करोड़ से ज्यादा की पूंजी फरवरी 2018 तक आ चुकी है। और कौन कौन सा देश तकनीक के क्षेत्र में आ रहा है उस पुस्तिका में आपको मिलेगा। मैंने कहा ना, हम हर चीज को पुष्ट कर रहे हैं, स्किल इंडिया में कौन कौन देश आए, डिजिटल में कौन कौन आए, स्टार्टअप में कौन कौन आए, ये सब का, हर देश का विवरण आपको इस पुस्तिका में मिलेगा। जो हमने ये पहली बार हमने किया, और हमने दो डिवीजन बनाए इसके लिए, नए डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, डिपार्टमेंट ऑफ ईडी और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, और दोनों को मर्ज किया, क्योंकि ये सारी पूंजी जो आएगी वो आएगी तो राज्यों में, तो राज्यों से संपर्क साधने के लिए एक संयुक्त सचिव हो जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी देखता हो। तो ये दो नए डिवीजन बना करके इसको हमने लिया, ये आर्थिक मोर्चे पर विदेश मिनिस्ट्री की बहुत बड़ी सफलता। अगली जो हमारी बहुत बड़ी सफलता है वो ये कि पूरे विश्व में 4 एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स हैं। आज तक भारत 2014 से पहले तक एक भी एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम की सदस्यता हासिल नहीं कर सका था, मगर मात्र 4 वर्षों में हमने 4 में से 3 की सदस्यता हासिल कर ली। पहले हम एमपीसीआर के मेंबर बने,
उसके बाद हम वासेनार अरेंजमेंट के मेंबर बने और उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के मेंबर बने। चार में से तीन की सदस्यता पिछले चार वर्षों में हमने हासिल की है। ये बहुत बड़ी कोई साधारण उपलब्धि नहीं, बहुत बड़ी असाधारण उपलब्धि है। इसी तरह एससीओ की मेंबरशिप, एक ऐसी रीजनल ग्रुपिंग है जहां हमारे चार देश सेंट्रल एशिया के थे, जिनके साथ हमारा पुराना सांस्कृतिक ऐतिहासिक संबंध है। हम कब से चाहते थे कि हम वहां ऑब्जर्वर स्टेट हैं, मगर पूर्ण सदस्यता हमें मिले, वो भी हमारे इस कार्यकाल में हासिल हुई। इसके अलावा जो भारत का अपना एजेंडा है वो ग्लोबल, उस पर विश्व मंच पर उसको लाने का काम हमने किया। जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जब आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी जब संयुक्त राष्ट्र में गए थे, वो मई 2014 में प्रधानमंत्री बने और सितंबर 2014 में उन्होंने यूएनजीए को संबोधित किया, संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को। तब उन्होंने ये इच्छा प्रकट की कि 21 जून पृथ्वी का सबसे बड़ा दिन होता है, इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। उनकी इस इच्छा को परवान चढ़ाने के लिए विदेश मंत्रालय ने एक प्रस्ताव अपनी ओर से संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत किया और मुझे बहुत खुशी है आपको ये बताते हुए कि 177 देश उसके सह प्रस्तावक बने, 177 कंट्रीज को स्पॉन्सर्ड दैट रेजोल्यूशन, और मात्र 75 दिनों में यह प्रस्ताव निर्विरोध पारित हुआ। अच्छा रिकॉर्ड, ये संयुक्त राष्ट्र का रिकॉर्ड है कि 75 दिनों में कोई प्रस्ताव दिया हुआ निर्विरोध पारित हो गया। और आज आप देखते हैं कि योग एक बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर बन के इंडिया का पूरे के पूरे विश्व में छा गया है और ये भारत का एक एजेंडा वैश्विक पटल पर लाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। दूसरा, इसी तरह से इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री ये समझते हैं कि सूर्य की ऊर्जा का सबसे बड़ा उपयोग किया जाना चाहिए, इसीलिए हमारे यहां भी उन्होंने बहुत बड़ा लक्ष्य सोलर एनर्जी का रखा है। पेरिस में जब COP21 हुआ तो फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति ओलांद के साथ मिलकर उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि जिन देशों में सूर्य 12 महीनों में से 8-9 महीने चमकता है, केवल रोशनी नहीं देता, हीट भी, गर्मी भी देता है, उस सौर ऊर्जा का उपयोग क्यों न किया जाए। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो वहां बना, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि उसके संस्थापना सम्मेलन, जो उसके फाउंडिंग मेंबर्स थे, उनका सम्मेलन भी भारत में हुआ। मुझे खुशी आपको बताते हुए कि 64 देश इसके सदस्य बन चुके हैं, 34 देशों ने इसको रेटिफाई भी कर दिया। ये इतना बड़ा ग्लोबल एजेंडा जो भारत की तरफ से फ्रांस की पहल के साथ लोगों के सामने रखा गया। इसके अलावा योग और कुंभ मेला को भी हम लोगों ने यूनेस्को से अपनी अमूर्त धरोहर इनटेंजिबल हेरिटेज ऑफ इंडिया के रूप में शामिल कराने का काम किया। जैसे मैंने कहा था कि उपलब्धियां आप उसमें ज्यादा पढ़ लीजिए, अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो आपका समय जाएगा, लेकिन मैंने बहुत मोटी मोटी चीजें आपके सामने रखी हैं। मुझे लगता है जो संपर्क की बातें बताई हैं, अभूतपूर्व संपर्क सही नाम है, और जो ये उपलब्धियां मैंने इतनी गिनाई हैं, ये उपलब्धियां असाधारण उपलब्धियों और असाधारण सफलताओं में इस शीर्षक को पुष्ट करती हैं। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूंगी कि इन चार वर्षों के छोटे से कार्यकाल में भारत की प्रतिष्ठा विश्व में इतनी बढ़ी है कि आज जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। धन्यवाद। अब मैं आपके प्रश्न। थैंक यू मैम। नाउ द फ्लोर विल बी ओपन टू क्वेश्चंस, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू ऑब्जर्व द फॉलोइंग। नंबर वन, प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ। वी हैव अ मल्टी प्रोडक्शन कैमरा टीम, सो व्हेन यू स्पीक यू विल बी ऑन कैमरा एज वेल। नंबर टू, टू गिव अ फेयर चांस टू ऑल ऑफ यू गेट अ चांस टू स्पीक, please restrict yourself to one question per person, no linked question. And I would also like to share with you today that there is no system of advanced booking of questions. Some of you tried to send me questions in advance since yesterday, so it depends on you catching my attention, and once I point it out to you, then you can ask your question. And third, and very important, that once we start a topic, then we will cover the topic, which means that the first question on a certain topic could be followed by a maximum of 4 questions on the same topic. If it is US, then one lead question plus 4 cross questions, and then the topic is closed so that we can move on and cover as many topics as possible. So now the floor is open to questions. Parikshit and then Smita.
Ma'am, I'm Parikshit from Republic TV. Over the last few months, there have been indications from Pakistan for dialogue. Pakistan Army Chief ne bhi kuch time pehle kaha tha ki comprehensive dialogue hona chahiye. 25 July ko Pakistan mein election hai. Kya aapko lagta hai ki Pakistan mein chunav ke baad Pakistan se baatcheet ho sakti hai officially? Comprehensive dialogue ho sakta hai? Can talks restart after that? Are we willing to give a chance to Pakistan following that? Any other questions on Pakistan? Ashish? Hi, ma'am. I'm Ashish from NewsX. Yeah, ma'am. At the end. Center, ma'am. See there. My question is, there have been a lot of indication from Pakistan and India side as well, including the Defense Minister, Mr. Nirmala Sitharaman, a few days ago had indicated that we are open for talks if Pakistan wants to. Also, as we speak, the Pakistani PMS, the Pakistan Maritime Security Agency chief, has just arrived for a bilateral with the Indian Coast Guard chief. Is there an indication that we are open for talks with Pakistan, even if the terrorism aspect is not solved and the IB and LOC remains volatile? This is slightly different from what our stand has been, and the indication we are getting in last few days is slightly different. Mr. Nayak. Madam, with the deterioration of the relations with Pakistan and also to some extent Maldives, what kind of future do you see? No. Please restrict yourself only to Pakistan. Okay. So what kind of future? What kind of future do you see for SAARC minus Pakistan? Mr. Asif. तो नहीं है दूसरा. नहीं तो मैंने कहा है ना पाकिस्तान अभी हम लेंगे. एक सेकंड. गीता एंड मधुरेंद्र. Ma'am, Geeta Mohan here from India Today. Right here, ma'am. Ma'am, this is regarding the Gilgit-Baltistan order of 2018 by Pakistan that was passed. What do you make of the order? Because in many ways it is trying to usurp land that is part of Kashmir. India has already lodged a protest, but anything more than that that India would be willing to do? Ma'am, is taraf, my Madhurendra, News Nation se. मेरा सवाल मैम, आपने चार साल की तमाम उपलब्धियां जो गिनाई पाकिस्तान के संबंध में, पीएम खुद गए कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों में सुधार आए और दोनों के संबंध पटरी पर लौटे, लेकिन चार साल में आपको लगता है कि हमारी तमाम कोशिशें विफल रहीं? कल ये देखा गया कि बल्तिस्तान और जो बाकी हमारा प्रोविंस है उसको अपना पांचवा स्टेट जो है एक तरह से पाकिस्तान ने घोषित करके ये जाहिर कर दिया कि वो संबंधों में कोई सुधार नहीं चाहता है, तो क्या उसको लेकर भी हमारी सरकार आगे कुछ अप्रोच रखती है? मित्रों, जो पांच सवाल आए हैं उनमें से लगभग तीन सवाल कुछ कुछ एक से हैं, थोड़ा बहुत फर्क है. पहले सवाल में सीधे पूछा गया कि क्या हम बातचीत के लिए तैयार हैं और चुनाव के बाद बातचीत कर लेंगे. दूसरे सवाल में थोड़ा सा ये डाल दिया गया कि क्या हम लोग टेरर के चलते भी बातचीत कर लेंगे. तीसरे सवाल में ये कहा गया, तो क्यों पहले वाले ने ये कहा जो सेकंड थे कि क्या हमारी नीति में परिवर्तन हो गया. तीसरे में ये कहा गया कि हमारा एक स्टैंड रहा है कि हम टेररिज्म के चलते बात नहीं करेंगे, तो उसके बारे में क्या कहना है. तीन सवाल मेजर जो आए, एक आया है माइनस पाकिस्तान, क्या हम SAARC के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, वी आर रेडी फॉर टॉक्स के साथ. हमने कभी भी, वी वर नेवर इन अ पोजिशन वेन वी सेड दैट वी आर नॉट रेडी फॉर टॉक्स, बट देर इज अ केवियट. टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, ये हमारी पोजीशन है और इस पोजीशन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है. हम बातचीत के लिए तैयार हैं चुनाव से पहले भी, चुनाव का इससे कोई लेना देना नहीं है. हम चुनाव से पहले भी बातचीत को तैयार हैं, बशर्ते पाकिस्तान आतंकवाद छोड़कर बातचीत की मेज पर आने को तैयार हो. और ये बात मैं आज नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना भाषण देते हुए ये बात कही थी, जब नवाज साहब ने चार फॉर्मूले रखे थे तो मैंने कहा था चार फॉर्मूलाज की जरूरत नहीं है, आप एक फॉर्मूला रखिए, आतंकवाद छोड़िए और बातचीत करिए. तो पहली बात तो यह है कि चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है. दूसरी बात,
चाहे निर्मला जी ने बात की हो, चाहे किसी और ने बात की हो, ये केवियट कभी नहीं हटा. टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर. क्यों? जब सीमा पर जनाजे उठ रहे हों तो बातचीत की आवाज अच्छी नहीं लगती. बॉर्डर हॉट हो, हर रोज सीमा पर गोलाबारी हो, सीमा से घुसपैठ करके आतंकवादी भेजे जाएं, पठानकोट एयरबेस पर हमला हो, इन तमाम बातों के चलते बातचीत नहीं हो सकती. जहां तक कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग का सवाल है, मैं ही गई थी इस्लामाबाद हार्ट ऑफ एशिया के सम्मेलन में और कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग शुरू करके आई थी, लेकिन उसके चंद दिन के बाद पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ था. हाँ, जो बाकी आपने कहा कोस्ट गार्ड की बात, जो मैकेनिज्म्स बने हुए हैं उनकी बातचीत होती रहती है. कोस्ट गार्ड की भी बातचीत होती है, बीएसएफ और पाक रेंजर्स की भी बातचीत होती है, डीजीएमओस की बात भी होती है, यहां तक कि एनएसए की बातचीत भी होती है. क्योंकि बहुत सोचकर हमने एनएसए के डायलॉग मैकेनिज्म को कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग से अलग कर दिया था. क्यों किया था? क्योंकि हम ये कहते हैं टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, बट टॉक्स ऑन टेरर शुड बी हेल्ड. तो एनएसए के मैकेनिज्म में चूंकि टॉक्स ऑन टेरर होती है, से वो बातचीत भी चलती रहती है. अभी निमराणा डायलॉग हुआ, ट्रैक टू के डायलॉग्स भी चलते रहते हैं. क्योंकि जब औपचारिक बातचीत समाप्त होती है, रुक जाती है, तब ये मैकेनिज्म्स काम करते हैं. लेकिन अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग की बात कर रहे हैं, तो जब तक पाकिस्तान आतंकवाद नहीं छोड़ेगा, चाहे चुनाव से पहले चाहे चुनाव के बाद, बातचीत नहीं होगी. रही गिलगित बाल्टिस्तान की बात, जिस दिन उन्होंने ये बात कही कि वो पांचवां प्रदेश बनाएंगे, उसी दिन हमने पाक उच्चायुक्त को तलब किया, तलब करके अपना विरोध उन पर उनके सामने रखा. आज उनका जवाब आया है, लेकिन मैं उस जवाब पे भी कहना चाहती हूँ, उन्होंने हमें हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए, लॉ पढ़ाना चाहा है, कि जो देश इतिहास को स्वयं तोड़ता मरोड़ता है, जो देश कानून और व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता है, जो देश आतंकवाद फैलाता है, वो हमें सीख देने की काम न करे. वो पढ़कर उनका जवाब मुझे केवल ये लगा, लुक हु इज टॉकिंग. थैंक यू. नो मोर क्वेश्चंस ऑन पाकिस्तान. जस्ट होल्ड ऑन. सार के सेपरेट नहीं, इन्होंने पूछ लिया. अच्छा, पूछ लिया. देखिए, सार का मतलब है सभी देश. वो ग्रुपिंग ही नहीं रह जाती अगर उसमें से कोई देश निकल जाता है तो. सिद्धांत Hello, ma'am. I'm Siddhant from WION. My question is on the ongoing developments in North Korea, the expected talks. So what has India to say on that? And also, General VK Singh visited North Korea. What was the reason? I mean, are we upping the relationship with North Korean regime? Any other question on this topic? Yes, please, the gentleman in the last row. Hello. I'm Hak Jin Ra from Yonhap News Agency of South Korea. I would like to know whether Indian government wants some kind of mediating roles between United States and North Korea for their peace agreement or some denuclearization of Korean Peninsula. Any other question on North Korea? Yes, please. Saurabh Shukla from News Mobile. Ma'am, India and the U.S. have a very good relationship. North Korea, we have been assisting them in various ways. And India is committed to Asian stability. So where do you see India's role coming into play here? Do you see us as a stabilizer between U.S. and North Korea? Because obviously, both of them have said that they are keen to do and move ahead on the summit. Obviously, there are certain countries which seem to have come on the way. So where do you see India's role? Because we have facilitated a lot of dialogue such, and obviously this will work in promoting global peace. तीन सवाल जो आए हैं लगभग मिलते जुलते हैं, इसलिए मैं सबका जवाब एक साथ दे देती हूँ. जहाँ तक जनरल वीके सिंह की विजिट का सवाल है, उसकी एक पृष्ठभूमि है. अभी मैं नए मिनिस्ट्रियल मीटिंग अटेंड करने के लिए बाकू गई थी अजरबैजान. वहाँ DPRK के फॉरेन मिनिस्टर ने मुझसे बायलैटरल भी मांगी थी और बाद में वो उनसे मेरी मुलाकात हुई. तो वहाँ उन्होंने मुझसे ये कहा कि हमारी JCM भी एक वर्ष से ऊपर हो गया पड़ी है, SOC भी नहीं हुई. इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर आप नहीं आ सकते अभी तो कम से कम अपने MOs को भेजिए, लेकिन ये यात्रा होनी चाहिए. तो उसमें से ये यात्रा निकली और आते ही मैंने जनरल वीके सिंह को कहा कि आप DPRK जाइए.
जहां तक अमेरिका का सवाल है, अगर आप में से कुछ लोग उस दिन हो तो आपको याद होगा, सेक्रेटरी कैरी जब यहां आए थे और हम दोनों प्रेस स्टेटमेंट दे रहे थे तो उसमें ये सवाल आया था कि यूएस ये कह रहा है कि अपनी अपनी एम्बेसीज हटा लो, भारत ने तो एम्बेसी हटाई नहीं है। तो मैंने उनके सामने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी एम्बेसीज वहां बनी रहें कि कल को अगर यूएस को डायलॉग करना पड़े तो उनके फ्रेंडली कंट्री की एम्बेसी वहां हो। तो हमने उस समय भी एम्बेसी हटाई नहीं थी, हमारी तब भी एम्बेसी थी और आज भी एम्बेसी है। जहां तक मीडिएटर का सवाल है, हम लोग कोई मीडिएशन इसमें नहीं कर रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया पहले आपस में बात कर रहे हैं, उसके बाद यूएस के साथ बात करने की बात आई, फिर अमेरिका को लगा शायद चाइना इसमें कोई रोल अदा कर सकता है तो वो रोल अदा कर रहे हैं। ना हमसे किसी ने रोल अदा करने के लिए कहा है और ना हम इसमें कोई रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन हमारे बायलैटरल रिलेशंस के चलते चेन्नई वी के सिंह डीपीआरके की यात्रा करके आए हैं। मैम, निमिष कुमार फ्रॉम हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी। मेरा सवाल आपके इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वाले फैक्ट पर है। आपने अभी बताया कि आपने एक नया डिवीजन बनाया है और पिछले चार साल में जितने भी बायलेटरल्स या मल्टीलेटरल्स हुए हैं उसमें इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं उसका कंपोनेंट बड़ा है और उसकी आपको सफलता भी मिली है। क्या आप बताएंगे कि इसको लेकर आपका रोड मैप क्या है, आपने क्या गोल सेट किए हैं डाउन द लाइन 5 ईयर्स और ऑन, प्लीज? एनी अदर क्वेश्चन ऑन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी? राकेश जी, कुमार राकेश, ग्लोबल गवर्नेंस ग्रुप। जो अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हुई तो मैडम आपने बताया 14,561 करोड़ का निवेश आया है। ये चार साल में है या पिछला है वो बताने की बात है, वो जानना चाहेंगे। टॉप 5 देश कौन हैं जिन्होंने निवेश किया है भारत में? इसके अलावा और भी खबरें हैं कि जहाँ जहाँ जो लोग NRI कार्स करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्लैगशिप कार्यक्रम को लेकर के, उसमें हमारे पास भी कई रिपोर्ट्स हैं कि जो कंसर्न CGI हैं या एम्बेसी उनको अपेक्षाकृत मदद नहीं करते। और साथ ही प्रधानमंत्री के फ्लैगशिप कार्यक्रमों में के तहत ही जो हिंदी के विकास की बात है, 2007 में संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। ये फ्लैगशिप कार्यक्रम में है रवीश जी, मैं इसलिए इसको जोड़ रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री के फ्लैगशिप कार्यक्रम में है, प्लीज। तो संयुक्त राष्ट्र में ये प्रस्ताव पारित किया गया, हिंदी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनेगी, उसका क्या हुआ? धन्यवाद। थैंक यू।